आज खाना इतना टेस्टी बना ना दोस्तों, मतलब आज जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि ऐसे अपने मुंह में ऐसे मतलब खुद बनाई आज तो इतनी टेस्टी लग रही है। सच में टेस्टी है। हाँ हाँ पता है। आगे देख कबू ने कम से कम दो थालियां खाई है और जितने तीन खाई है सब लोग। अभी लास्ट में मैं खा रहा हूँ। देखो भाई खुद तो क्या हो रहा है, इन्होंने खुद यहाँ पे ब्लोअर लगा लिया है और खुद कितने आराम से लेटे पड़े हैं, पर आग भी नहीं जलाई है। हाँ जल गया भाई, ये कहाँ इतना गर्म हो गया है, ये जल गया यहाँ पे। मतलब कितनी फैसिलिटी होती है, चले जाओ आप गरीब जैसे नीचे कमरे का। तू बड़ी अमीर, यहाँ पे हम ब्लोअर वगैरह लगा के बैठे। खाना पता किसने बनाया आज? मैंने। वो नमक तो ज्यादा नहीं, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं क्या खा रही हूं। ओए कबू, अरे मैं कबू को बोल, तेरे को लगा नमक नहीं था? अच्छा था। अरे मैं कबू को बोलने वाली थी, कबू तूने इतना गंदा खाना क्यों बनाया? पर शुक्र है मैंने। तेरे को ऐसा पता लगना चाहिए बस, इसको ये है, इसको ये पता चल गया कि खाना मैंने बनाया, इट मींस इसको कभी ये तारीफ नहीं करेगी उस चीज की, इसको हमेशा ऐसे ही बोलना है कि नहीं गंदे। तो तू कौन सा अच्छा बनाती है? मैं बनाती नहीं ना, मैं ऐसे शो भी नहीं करती, मेरे को खाना बनाने आ जाता है, वैसे ही नहीं बनाती। चल कोई नहीं, मेरे को बनाने नहीं। कभी तू भी बनाएगी फिर बताऊंगा व्लॉग में। जाओ चाय तो बना दो। हेलो, मेरे को ठंड लग रही है। चाय कौन बनाएगा? ये बहुत विशाल, मैं कसम से अभी आई बोलती हूँ, मेरे से उठ जाते हैं। तुम लोग हमेशा बहस क्यों करते रहे, लड़ते रहते हो क्या? बहुत ठंड लगी, जाना है बेटा। एक बार कबू बना लेगी, उसके बाद सारा काम मैं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं तेरी, तेरे हाथ की चाय पियेंगे, तेरे हाथ की पियेंगे। रजत कौन बनाता टेस्टी चाय? बस रिया बनाती, तो रिया जा जा शाबाश, जा उठ जा शाबाश, जा जल्दी उठ, जल्दी उठ, निकल जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। हमने बंद ही नहीं करना, क्या रजत कोठी में? चलो उठ 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 उठ, बाद में फिर डीट बन जाएगी। उठ जा, फिर बड़ी बेशर्म है, जा उठ जा उठ जा। ये ना बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, बेचारी रिया भी अभी सच्ची है ठीक है, लेकिन चाय मेरे को अच्छी बनानी नहीं आती है। अब कोई भी बिस्तर से बोलेगा कोई ऐसे टेम्परेचर में कि भाई तुम जाओ चाय बना के लाओ, तो ऐसे मतलब मौत पड़ जाती है मुँह पे। थैंक यू चाय बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। अरे रुक जा, उठाने तो दे, चल बैठ जा। जैसा है कि मम्मी नहीं थी घर पे तो कबू ने वही खाना रिपीट कर दिया जो सुबह मैंने बनाया था। ये क्या है यार, ये आपने इतना टेस्टी बनाया, दो दो बार खाना चाहिए? दो बार नहीं खाना चाहिए यार, क्या है ये फिर से? आलू चावल, आलू चावल क्यों डाल दिया तूने शाम को? बताओ डांटो, डांटो क्या? भी भाई हाथ का खाना टेस्ट कर, ये कुछ भगवान बनाएगा इतनी जल्दी? अभी तो दो बार, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये इतना टेस्टी है कि मम्मी अगर खा ले तो मम्मी बोलेगी कि मैंने सुबह। तो चुप करना, तूने तो दिन में बेइज्जती करी है ना, तू जब भी बनाएगी तब देखना। बगैर नमक इतना टेस्टी है कि अब क्या ही बोलूं। तो नमक और डाल दे, थोड़ा सलाद बाद काट दिया करो यार। देखो कितनी मैं मूली लेके आया हूँ, शलजम लेके आया हूँ, स्वादिष्ट तो बनेगी सब्जी वैसे। जल्दी करो, ये प्याज क्यों काट रहे हो भाई? सलाद पड़ा है, प्याज खिलवाना जरूरी है? प्याज अच्छा लगता है, मैंने भी खाया बड़ा। नहीं प्याज नहीं, मेरे को वही खाना है। ये अग्नि माता, ये अभी इतनी शक्ति दे रही है यहाँ पे, और एक माता ये रही और एक माता ये रही, दो माताएं मिलके जो अभी खाना खाने पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज शक्ति किस माता से अच्छी? ज्यादा शक्ति आप में से, आप बड़ी शक्ति वाली माता हो। ये भी कम थोड़ी है, ये हर किसी को जला देती है। ये तो सबसे बड़ी माता, ये भी नहीं छोड़ती किसी भी चीज को। ये लो शुक्र है जी, बोलने के ऊपर इनका ये रहता है ना। ये लोग मतलब बेशक मूली शलगम कुछ भी लाया होगा सड़ जाएगा, अचार रहेगा रह जाएगा, ये लोग देंगे नहीं कभी भी जब तक इनको बोलो ना। और कई टाइम तो ऐसा होता है मैं कुकिंग कर रहा होता और मैं अगर मान के चलो मैं इनसे मांग रहा हूँ कुछ की भाई ये चीज दे दो, ये मसाले बचे है कि नहीं, तो जानबूझ कैसे कर देंगे ना, अब है ही नहीं बोलना। ऐसी ऐसी हरकतें ज्यादातर करती है रिया, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है?